और मैं आपके साथ संजय लिस्ट। देखिए इस वक्त मैं पहुंचा हूं सिवान के नगर परिषद में, जहां पर आपको बताते चले कि हसनपुरा में एक वार्ड पार्षद का निर्मम हत्या बेखौफ अपराधियों द्वारा कर दिया गया था। साथ ही साथ दो मांगों को लेकर आज सिवान नगर परिषद में लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से ये विरोध मार्च कर रहे हैं। और इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से पूरे बिहार में अपराधी बेखौफ होकर बेलगाम होकर घूम रहे हैं और निर्मम जनप्रतिनिधियों का हत्या किया जा रहा है, इस हत्या को लेकर आक्रोश पूरी तरह से देखा जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए सिवान नगर परिषद के बहुत सारे वार्ड पार्षद हैं, साथ ही उनके जो सहयोगी हैं वो लोग नगर परिषद में हैं और इन्होंने सिवान जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन के माध्यम से क्या क्या मांगे इनकी है उन मांगों को लेकर ये लोग एकत्रित हुए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। कौन कौन सी मांगे हैं और किस लिए आप लोग आज धरना प्रदर्शन और विरोध मार्च कर रहे हैं और ज्ञापन सौंपे हैं? सबसे पहले हम लोग विरोध मार्च आज किए हैं, हमारे यहाँ सफाई कर्मी का 3 महीना से वेतन नहीं मिला है, क्योंकि यहाँ जो कार्यपालक पदाधिकारी जिसकी प्रतिनियुक्ति हुई है उनको वित्तीय प्रभार नहीं है, जिस कारण से 3 महीना से उनको वेतन नहीं मिला है। और सामने 5 से 6 दिन में 2 पर्व है, शिवरात और होली। तो शिवरात और होली में 3 माह से पैसा नहीं मिला है, तो वो लोग कल आज चाहे कल से हड़ताल पर जाने के बोल रहे हैं। उसी लिए हम लोग पहले भी मिले थे लेकिन उस पर कोई समाधान नहीं हुआ, इसलिए आज सभी वार्ड कमिश्नर अध्यक्ष और वाइस चेयरमैन दोनों आदमी हम लोग रोड पर उतर गए, सभी लोग मिल के रोड पर उतर गए कि अगर नहीं होता है तो हड़ताल पर चले जाएगा, तो हड़ताल पर उनके साथ साथ हम भी लोग चले जाएंगे। तो आप लोगों ने जो अभी एक हत्या हुआ है वार्ड पर उसको लेकर भी आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा है क्या? कोई भी जनप्रतिनिधि जनता का वो मतलब जनता के लिए वो समर्पित होता है, अगर वो 5 बजे आए या 12 बजे रात में आए, 12 बजे रात में उसकी हत्या हो जाती है और वो आता है अपने परिवार के लिए और परिवार में वो नहीं पाया जाता है तो हर परिवार को दुख होता है। तो वैसे ही एक परिवार हम लोग का है, जनप्रतिनिधि परिवार एक परिवार है, इस परिवार में किसी को कोई घटना घटती है तो सभी लोग हम लोग दुखित है। आज काला बिला लाकर हम लोग सांकेतिक एक धरना प्रदर्शन किए थे, लेकिन इसके बाद अगर नहीं मानेंगे लोग तो सभी नगर पंचायत के जनप्रतिनिधि और नगर परिषद के जनप्रतिनिधि मिलकर सिवान में एक विशाल धरना देने जा रहे हैं। नहीं, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि आमतौर पर आम पब्लिक के साथ जनप्रतिनिधियों पर भी जो बेखौफ अपराधी हैं लगातार हमला कर रहे और निर्मम हत्या हो रहा है, तो क्या लगता है सिवान में प्रशासन जो है काफ़ी नाकाम हो चुके हैं और बेखौफ अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए निरंकुश साबित नहीं हो रही है? देखिए, ये नाकाम हो गया, जंगल राज आ गया, ये आप लोग कह सकते हैं। हम लोग यही कह सकते हैं कि जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा मिले, जनप्रतिनिधियों का मान सम्मान रहे। अगर जनप्रतिनिधि घर से निकलता है और जनता के काम से तो उसका एकदम सुरक्षा रहना चाहिए। हम नहीं कहेंगे कि जंगल राज आ गया, आप लोग कह रहे हैं, आप ही लोग कहिए। हम लोग सुरक्षा चाहते हैं, सुरक्षा मिले और सबका परिवार है, खुशी से रहना चाहिए, सब लोग प्रेम से रहना चाहिए। देखिए, ये वार्ड पार्षद के पुत्र हैं, उनका साफ तौर पर कहना था कि हम लोग जो मांगे लेकर आए थे वो डीएम साहब को ज्ञापन सौंप दिए हैं और शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग अपने मांग को रख रहे हैं जिलाधिकारी के सामने। आने वाले समय में निश्चित रूप से कुछ ना कुछ कार्रवाई देखने। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए।